आज पर्युषण पर्व दशलक्ष्मी महापर्व के तप धर्म के दिन हम आपको यह कहना चाहते हैं कि तप की परंपरा भारतीय संस्कृति की माटी से जुड़ी हुई है। तप के लिए भारतीय सभी ग्रंथों ने, सभी धर्मों ने, सभी दर्शनों ने अपनाया है। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से तप करते हैं। उन्होंने यह कहा है, जो धनी होकर दान न करे और निर्धन होकर तप न करे तो उसे गले में पत्थर बांधकर डुबा देना चाहिए, विदुर ने कहा है। क्योंकि जो धनी है करके दान न करे, धन है जिसके पास और दान न करे, निर्धन हो तो तप न करे। तप में कोई पैसा नहीं लगता है, पैसे की जरूरत नहीं होती तप में। तप सचमुच में देखा जाए तो इच्छाओं के निरोध करने का नाम तप है। तप समस्त कामनाओं की यथेष्ट रूप से पूर्ति करता है। इसलिए लोग दुनिया में तपस्या के लिए अपना उद्योग करते हैं, उद्यम करते हैं। शांतिपूर्वक सहन करना और जीव हिंसा न करना, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं हो सकती। ये समस्त तपस्याओं का सार है। और हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में तप परम श्रेय है, श्रेष्ठ है और अन्य सुख मोह करने वाले हैं। तप से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं होता है और जो तप के कर्तव्य को निर्वाहित करते हैं वे ही जीवन को बहुत बड़ा सरा कर लेते हैं। तपस्या जीवन की सबसे बड़ी कला है। अब हमारे सामने जैन आचार्यों ने तपस्या, तप के रूप जो है ना, 12 प्रकार से प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है, अनशन, औदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश और विविक्त सय्यासन के नाम से। इसके बाद प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग, ये 6 हमारे सामने अंतरंग और 6 बहिरंग। बाहर तपों में 4 तप सिर्फ हमारे भोजन से जुड़े हुए हैं। उनमें अनशन, भोजन का पूर्ण रूपेण त्याग कर देना, अमोदरी, भूख से, पेट से कम भोजन करना, रस का परित्याग कर देना और साधु गिनती करके ग्रस्त के यहाँ जाते हैं और ये तय कर लेते हैं कि हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना। इसके बाद एकांत में सय्यासन करना और काय क्लेश, शरीर को भी तपाना, शरीर के लिए भी योग,
आसन और विहार आदि के माध्यम से काय क्लेश। इसके बाद तप के अंतर्गत आता है हमारा अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, अहंकार को दूर करके विनय करना, दूसरों की सेवा करना, ये भी तपस्या है। इसके बाद संपूर्ण परिग्रहों का त्याग कर देना, ये भी त्याग सेवा है, तप है। और स्वाध्याय करना, जिन स्वाध्यायों की विवेचना बहुत अच्छे से की गई है। इसके बाद हम लोगों को ध्यान की बात आती है। ध्यान से बड़ा कोई तप नहीं है, ध्यान के द्वारा ही समस्त कर्म नष्ट होते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहले इच्छाओं का निरोध करें, फिर हम तप को करें।